वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे शॉर्ट ट्रिक से याद करना है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास चार टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीजेंडर, बेसेल, हर्माइट और लेगुरे, है ना। ये चार टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो हमने शॉर्ट ट्रिक में मैंने ऐसा बनाया है, ले बे हार ला, है ना, ले बे हार ला। लेकिन ये वाली ट्रिक जो है ये काम नहीं कर रही है उतनी, है ना, तो इसलिए मैंने दूसरी ट्रिक बनाई है, हाथ में लाल बैग ले, है ना। हाथ में मतलब एच, ला ला मतलब एल ए, बैग मतलब बी, और ले ले मतलब एल ई, है ना। तो हाथ से हो जाएगा हर्माइट, ला मतलब हो जाएगा लेगुरे, बी से हो जाएगा बेसेल, और एल से हो जाएगा लीजेंडर। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका कैसा है। जो चार डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले लिखो वन, वन में एक्स का मल्टीप्लाई करो, एक्स में एक और एक्स का मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, और फिर वन में से एक्स स्क्वायर घटा दो, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई सबसे पहला पॉइंट याद करने का तरीका। अब दूसरा जो है उसको कैसे याद करना है, इसका डेरिवेटिव करिए, इसका डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो वन का जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिख दीजिए, माइनस टू एक्स। ठीक है, अब फिर यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा टू एक्स, तो ओनली कितना लिख देंगे यहाँ पर हम x, टू नहीं लिखेंगे, है ना, ओनली लिखेंगे हम x। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओनली यहाँ से टू हटा के फिर क्या लिख देंगे x, और फिर ये जो वन और x इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा वन माइनस एक्स। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना। देखिए मैं फिर से बताती हूँ, हाथ में लाल बैग ले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वन एक्स एक्स स्क्वायर, और फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस टू एक्स, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर लिखना है, इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ वन माइनस एक्स, और ये जो एक्स है ये यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब तीसरा स्टेप जो है उसको ध्यान से देखिए, उसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, लीजेंडर जो है सबसे बड़ी इक्वेशन होती है, तो सबसे बड़ी इक्वेशन होती है उसका कोफिशियंट जो है वो भी बड़ा है, और दूसरी बात बेसेल, बेसेल का कोफिशियंट बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और लीजेंडर का कोफिशियंट होता है एन एन प्लस वन। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में एन स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा टू एन, तो टू एन लिखना है यहाँ, और टू को हटा के लिखना है एन यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़े से यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि बेसेल में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा टू एन, जो कि यहाँ लिखना है, और यहाँ पर लिखना है एन, और यहाँ पर लिखना है एन एन प्लस वन। ठीक है, तो इस टाइप से अब इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो ये जो कॉलम है ये बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू के, ये सारे कोफिशियंट है, ये डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट है, और ये है कॉन्स्टेंट। तो जैसे आपको हर्माइट इक्वेशन बनानी है, हर्माइट, तो हर्माइट पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या हो जाएगा, वन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर माइनस का कितना है टू एक्स, माइनस टू एक्स के साथ क्या लिखेंगे आप डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट कितना है टू एन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गई आपकी कौन सी इक्वेशन, हर्माइट पॉलिनोमियल आ गया। सेकेंड लेगुरे पॉलिनोमियल लिखेंगे तो एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू, वन माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस एन कॉन्स्टेंट, है ना, इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया है कौन सा, लेगुरे पॉलिनोमियल। फिर थर्ड है बेसेल, बेसेल के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। चेक कर लीजिए आप, है ना, यही सब सब हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले सबसे लाखली में लीजेंडर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस एन एन प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आ गया वह कौन सा, लीजेंडर। ठीक है दोस्तों, तो ये है शॉर्ट ट्रिक पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को याद करने की। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसी टाइप के वीडियोस
देखने के लिए सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें चैनल को तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये है पूरी ट्रिक, और बहुत ही आसान ट्रिक बनाने की कोशिश करी है मैंने, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी कोई ट्रिक बनाई जाए कि ये बहुत आसानी से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आप चाहूँ तो एक रिवाइज़ करवा सकते हैं। सबसे पहले 1x x2 फिर 1 - x2 है ना, इन दोनों में को हटा देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो -2x लिखना है। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिखना है ना। और फिर क्या करना है, इन दोनों को घटा के यहाँ लिख देना है, और क्योंकि हम एक्स स्क्वायर का 2x कर रहे हैं तो 2 हटा के यहाँ पर ओनली कितना लिख देना है, x लिख देना है। ठीक है, अब कांस्टेंट आपके पास, कांस्टेंट आपको बेसल के लिए याद रखना है, x² - n² याद रखना है। n स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2n, तो 2n यहाँ लिखना है, और फिर n 2 हटा के n यहाँ लिखना है, और फिर n लिखा है तो n n+1 यहाँ पर लिखना है। तो इस टाइप से ये चारों पॉलिनोमियल इक्वेशन है। आई होप यू लाइक दिस ट्रिक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक तो बनता है दोस्तों इस वीडियो के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों से कि किस टाइप से इसकी ट्रिक बनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।